हेलो मेरे फ्यूचर बिट्सियंस, आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी काफी। फॉर दोज हु डोंट नो मी, आई एम प्रथम, थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट एट बिट्स पिलान। टुडे वी हैव समथिंग स्पेशल फॉर ऑल ऑफ यू, गियरिंग अप फॉर बिटसाइट 2024। अब कुछ मैंने ही बाकी है एग्जाम के लिए, एंड आई नो टाइम के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ेगा, बट डोंट वरी, आई एम हियर विथ यू। एज आई टोल्ड अर्लियर ओनली, आई विल बी नॉट जस्ट मेकिंग द वीडियोस, आई विल बी क्राफ्टिंग अ सर्वाइवल गाइड फॉर ईच वन ऑफ यू। तो अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, अदरवाइज यू विल मिस आउट ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो इन टुडेज वीडियो मैं आपको कुछ वन शॉट फ्री रिसोर्स बताने जा रहा हूँ जो आपके बिटसेट के प्रिपरेशन को 100% बूस्ट करेगा और आपको बिटसेट क्रैक करने में काफी हेल्प करेगा। ये सारे रिसोर्सेस यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल है और मैंने भी फॉलो किए अपने टाइम पे, विच हेल्प मी टू स्कोर 310 मार्क्स इन बिटसेट। तो वीडियो को एंड तक देखना, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन लेके जाओगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू ये वन शॉट्स को यूज कैसे करते हैं, प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं। फर्स्ट, इन वन शॉट्स को बस देखना नहीं है, पेन और पेपर लेके शॉर्ट नोट्स भी बनाने साइड बाय साइड। अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए होंगे तो ये बेस्ट तरीका है शॉर्ट नोट्स बनाने का। सेकंड, शॉर्ट नोट्स बनाकर बस छोड़ नहीं देना है, हर 3-3 दिन में रिवाइज करना है। हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने में, वो तो आप कर ही सकते हो। थर्ड, फॉर केमिस्ट्री सिर्फ वन शॉट लेक्चर्स काम नहीं करेंगे, आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी तो पढ़ के ही जाना पड़ेगा। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वीडियो देखने के बाद कंफ्यूज मत हो जाना कि कहाँ से पढ़ू और कहाँ से नहीं। आई विल से आपको बेस्ट जो चैनल लगे इनमें से जो मैं बताने जा रहा हूँ वही फॉलो करो, बार बार रिसोर्सेस चेंज मत करो और जिन टीचर्स का अच्छे से समझता है उन्हें ही फॉलो करो। तो अब काफी बातें हो गई, तो अब आते हैं रिसोर्सेस पे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट नंबर पे आता है मेरा पर्सनल फेवरेट, फिजिक्स गैलेक्सी की रिवीजन चेकलिस्ट। मेरे टाइम पे आशीष सर के सिर्फ फिजिक्स के लेक्चर हुआ करते थे, बट अभी केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी रिवीजन चेकलिस्ट आ चुकी है। वीडियो लेक्चर की ड्यूरेशन ऑन एन एवरेज आपको 1 आवर 30 मिनट्स तक देखने मिल जाएगी इस चैनल पे। रिवीजन चेकलिस्ट के टाइटल में जेई मेंस देखकर छोड़ मत देना कि ये तो जेई मेंस के लिए है, बिटसेट के लिए नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट सेम ही है दोनों जगह। एंड बिटसेट के पेपर में जेई मेंस के काफी पीवाईक्यूज भी रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बोला है कि विदाउट पेन और पेपर ये वीडियोस मत देखना, नहीं तो थोड़े समय में सब भूल भाल जाओ। नेक्स्ट रिसोर्स की बात करूं तो वो है अनअकैडमी आइटम्स का 45 डे का क्रैश कोर्स। एनवी सर को तो जानती होगे आप सब, मेरे फेवरेट टीचर थे वो मैथ्स के। उनका पढ़ाने का स्टाइल बोले तो वाह। अगर आप ये वीडियो एंड मोमेंट पे देख रहे हो और आपने कोई चैप्टर स्किप किया है एंड आपके पास टाइम नहीं है, तो आई विल रिकमेंड कि आप इनके चेकलिस्ट में से वीडियोस देखो वो चैप्टर के। बेसिक से समझाया सब और इनके सेम कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ गया तो आपके मजे है फिर। तो बात करें इनके वीडियो लेक्चर्स के ड्यूरेशन की, तो ऑन एन एवरेज 2 आवर्स के देखने मिल जाएंगे, थोड़े से बड़े हैं बट स्टिल बेस्ट है। बिफोर मूविंग अहेड, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट एनसेट एग्जाम, विच विल बी कंडक्टेड ऑन 13th and 14th January, एंड द फाइनल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज 12th of January। बट वाई दिस एग्जाम इज एज इम्पोर्टेंट एज जेई एंड बिटसेट, बिकॉज ये एग्जाम देने के बाद यू विल बी एबल टू गेट एडमिशन इंडियाज फर्स्ट कॉलेज टू प्रोवाइड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। दिस कॉलेज इज मेड बाय IITians एंड इट इज ऑल्सो फर्स्ट कॉलेज टू प्रोवाइड AI पावर्ड लर्निंग। हियर द फैकल्टीज आर फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज लाइक IITs, MITs, ड्यूक एंड स्टैनफोर्ड। Also, they are providing free MacBooks to their students, which will help them to solve complex problem in CS and AI. Baki for practical knowledge, they will provide 6-month paid internship in the second year itself. Also, jo students padhai mein achhe hoge, they will get a chance to go to international tech conference in Silicon Valley and Singapore. They claim to have an average package of 12 LPA, and one of their alumni got placed in Google with 64 LPA. And agar aapko apne college se startup karna hai, then you will be able to get funding of up to rupees 1 crore. Agar ye phase mein abhi register करोगे तो 2x स्कॉलरशिप का चांस होगा। दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ दिस एग्जाम, सो यू कैन चेक आउट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो अब वीडियो के टॉपिक पे वापस आते हैं। अब बात करता हूं मैं स्पेसिफिक टॉपिक रिलेटेड जो चैनल्स आप फॉलो कर सकते हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूं तो पंगज सर का कंपटीशन वाला चैनल पे 20 डेज का क्रैश कोर्स है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द नेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन 20 डेज। मैंने ये रिव्यू किया है और ये काफी सही है, ऑनेस्टली काफी सही है। आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है जो पर्सनली आई थिंक टीचर्स पे भी डिपेंड करती है स्टूडेंट्स के साथ साथ। अगर आपका टीचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को फन वे में पढ़ाता है तो वो काफी इंटरेस्टिंग बन जाती है। और आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है उसको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, नहीं तो कुछ भी नहीं आती। एंड आई थिंक पंकज सर काफी अच्छे टीचर साबित हो सकते हैं आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। सारे चैप्टर्स कवर किए गए हैं एंड उन्होंने डिटेल में पढ़ाया सब कुछ, इसलिए कुछ कुछ लेक्चर का ड्यूरेशन 7 घंटे तक भी गया है। अगर आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अभी 0 भी है तो आप यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको एक टिप देना चाहूंगा, ऑर्गेनिक में जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा आपको, और जितनी ज्यादा चीजें समझेगी उतना ही ज्यादा आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पसंद आते जाएगा। कंसिडरिंग आपके पास अभी 4 मंथ्स है तो आप आग बंद करके ये प्लेलिस्ट फॉलो
फॉलो कर सकते हो। वापस याद दिला दूं, शॉर्ट नोट्स बनाते रहना। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स के एक और बेस्ट सोर्स की बात करूं तो मोहित सर का एड्यूनिटी चैनल काफी सही है फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला रिवीजन। इनकी एक रिवीजन सीरीज है 11th एंड 12th। टोटल उसमें आपको 60 लेक्चर्स दिख जाएंगे, बट छोटे छोटे लेक्चर है 15 टू 30 मिनट्स के। हर चीज काफी अच्छे से रिवाइज कराई है सर ने, एंड ये सीरीज देखने के बाद आपके सारे प्रीवियस हो जाएंगे। प्रॉपर प्लानिंग के साथ करोगे चैप्टर बाय चैप्टर तो आराम से हो जाएगा सब कुछ। बाकी इंग्लिश और एलआर के लिए कोई स्पेसिफिक चैनल तो नहीं मिला मुझे, अगर आपको कुछ पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए मैं आपको बोलूंगा आर्यन बिटसाइड गाइड के क्वेश्चंस लगा दो, वो काफी है। और जो मॉक टेस्ट दोगे आने वाले समय में उसमें भी तो क्वेश्चंस रहेंगे, उनसे भी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और जब ब्रोशर रिलीज होगा तो उसमें इंग्लिश के सेक्शन के अंदर काफी टॉपिक्स मेंशन होंगे, आप वो पर्टिकुलर टॉपिक से फेमिलियर होकर एग्जाम में भी चले जाओगे तो काफी है। मैंने ट्राई किया है आपको ज्यादा चैनल्स नहीं बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे। मुझे पता है कि बच्चे सोचेंगे हम यहाँ से पढ़े कि यहाँ से, हम तो यहाँ से पढ़ रहे थे, आपने ये बोल दिया तो अब मैं यहाँ से पढ़ूंगा। ऐसा मत करो, आपको जहाँ से समझ में आता है वहां से ही पढ़ो। बाकी आपको कोई चैनल पे डाउट होगा तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, प्रॉपर रिसर्च करके बताऊंगा कि ये सही है कि नहीं है। और कुछ चैनल जो आपको लगते हैं काफी अच्छे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी एट लास्ट आई जस्ट वांट टू से दैट कंसिस्टेंसी इज द की। अपना स्टडी शेड्यूल प्लान करो एंड स्टिक टू इट एंड स्टे पॉजिटिव। ज्यादा टेंशन मत लो, मैं हूँ आपके साथ अभी। अगर प्रेशर आ रहा है तो इट्स नॉर्मल, हर स्टूडेंट को आ रहा होगा और मुझे भी आया था अपने प्रिपरेशन के वक्त पे। बट अगर आप इतना दूर आ ही गए हो तो यू कैन डू इट। एंड इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ तो कॉमेंट्स में लिख दो bitset49। एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।